सभी सीटों पर पहले दो चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। ऐसे में आज पीएम मोदी को भी बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का बिजनौर दौरा रद्द हो गया। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि घने कोहरे की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर बिजनौर पहुंच गए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को वर्चुअली संबोधित किया। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने के बारे में टीवी चैनल के फ्लैश का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। जयंत के इस ट्वीट के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक रैली में लोगों के नहीं पहुंचने की वजह से पीएम मोदी को अपना बिजनौर का दौरा रद्द करना पड़ा है, क्योंकि बिजनौर से जो तस्वीर सामने आ रही है उनके मुताबिक उस इलाके में धूप खिली हुई है। मौसम बिल्कुल साफ है, जब योगी वहाँ पहुँच सकते हैं तो पीएम को क्या परेशानी हुई। आपको बता दें, इस वक्त बीजेपी को लेकर जाट समुदाय और किसानों में काफी नाराजगी है, और यही वजह है कि पीएम की रैली में भीड़ नहीं थी, जिसके बाद पीएम मोदी को वापस लौटना पड़ा। बिजनौर में पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद सीएम योगी ने बिजनौर की सभी 8 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश से युवाओं का पलायन करने पर मजबूर किया गया, साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों के लिए भी सपा को कटघरे में खड़ा किया।